हेलो जी। सुबह उठते ही हमें एक काम करना होता है जो हम नहीं भी चाहते तो भी हमें करना पड़ता है, वो है ब्रेकफास्ट बनाना। तो फिर हम सोचते हैं कुछ ऐसा बना लें जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो और ज़्यादा हमें मेहनत भी ना करनी पड़े। तो फिर हम आज बनाते हैं स्वीट कॉर्न की चाट। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप स्वीट कॉर्न लेना 1 कप, और उन्हें एक प्रेशर कुकर में डाल देना, थोड़ा सा नमक डालना, थोड़ा सा पानी भी डाल देना जिससे जल ना जाए, और बस इन्हें डालकर एक विसल दे देना, बस एक से ज़्यादा विसल मत देना, और पानी ज़रूर डालना थोड़ा सा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो इन्हें छलनी में छान लेना। फिर इन्हें एक बर्तन में निकाल लेना, फिर एक कटोरी में थोड़ा सा बटर लेना और थोड़ा सा नमक लेना, थोड़ा सा काली मिर्ची लेना, और काली मिर्ची लेने के बाद नींबू लेना, एक नींबू ले लेना और उसे निचोड़ लेना। मैंने ऐसे हाथ में निचोड़ा है जिससे कि इसके जो बीज है ना वो हाथ में ही रह जाए और रसा नीचे से निकल जाएगा। तो छलनी की जगह आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं नींबू का रस, जिससे कि बीज ना आए आपके इसमें मसाले में, ड्रेसिंग में। तो ये हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमने जो स्वीट कॉर्न उबाले थे ना उसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसमें डालकर, जिससे बटर से जो मसाले हैं वो भी चिपक जाएंगे और नींबू का भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस इन्हें चाहे तो आप ऐसे ही खा लेना, और अगर आप चाहो तो इनमें कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। मैंने तो सब्जियां ऐड की थी जिससे ये और हेल्दी और न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मूली डाल दी थी बारीक कटी हुई, थोड़े से प्याज डाल दिए थे, थोड़े से टमाटर डाल दिए थे। सब्जियां आप अपनी चॉइस की कुछ भी ले सकते हो, खीरा ककड़ी आप जो लेना चाहो ले लेना, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना, इससे फ्रेशनेस आ जाएगी। और तीखा खाते हो तो मिर्ची भी डाल देना। बस फिर इसे मिक्स करना और फिर इसे इंजॉय करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।